आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों को हंडिया कोतवाली के कोतवाल अनिल कुमार सिंह के साथ ही हंडिया तहसील के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने गमगीन श्रद्धांजलि दी और ये संदेश दिया कि हमारे देश के बहादुर सैनिक आज जो हमारे बीच में नहीं हैं, हमें उनके शहीद हो जाने का अफसोस है और हम इनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे। साथ ही साथ कोतवाल हंडिया ने ये भी कहा कि ये हमारे लिए एक विषम परिस्थिति है, हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही कहानी चल रही है और एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो 200 बारूद लाया देश के अंदर वो कौन गद्दार है। हमारे देश की सरकार क्या करेगी? शहीदों की शहादत के लिए पाकिस्तान के बारे में सोचने से पहले क्यों ना एक बार अपनी ही गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हमारे देश के वीर सैनिकों को किस तरह से ये अग्नि परीक्षा चल रही है। पुलवामा जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा एक बस के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवानों को के ऊपर हमला किया गया और जिसमें 40 जवान शहीद हो गए, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये समाचार सुन करके बहुत कष्ट हुआ और ऐसे मौके पे जो हमारी व्यक्तिगत राय है कि हम सभी देशवासियों को जाति धर्म राजनीति भूल करके सबको एक साथ रहना चाहिए और अपने मुखिया को का साथ देना चाहिए। वो सक्षम हैं और इस बारे में वो सोच भी रहे हैं, तो ऐसे समय में धैर्य से हम लोगों को काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय गलत होगा।